हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाए यहाँ से साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए हैं, जिनमें से साउथहैम्पटन ने अभी तक एक भी मैच विन नहीं किया, बल्कि 2 मैच ड्रॉ खेले और 3 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज साउथहैम्पटन मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने 1.4 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से गोल करती है, और डिफेंसिव वाइज 3.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। तो गाइज अटैकिंग वाइज गोल करती भी है, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 3 या 4 गोल पर मैच कंसीड भी कर देती है। अब गाइज बात करें जो पिछला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टीम के सामने 9-0 से विन कर गई। अब गाइज आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कितनी खतरनाक टीम है, इस टीम के सामने 9 गोल कर चुकी है प्रीवियस मैच में। तो गाइज उस मैच में अगर आपको याद होगा तो हमने विन भी किया था, उस मैच का कैप्टन था अपना ब्रूनो फर्नांडिस और वाइस कैप्टन था रैशफोर्ड। तो इंपॉर्टेंट मैच था वो भी, और उसको हमने इजिली विन कर लिया था, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो किया था ना वो बहुत आश्चर्यजनक था। लेकिन उससे पिछले मुकाबले साउथहैम्पटन के सामने अगेन खेली और उस मैच को भी यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3-2 से विन कर लिया, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उस मैच में इस टीम के सामने 2 गोल कंसीड किया, अटैकिंग वाइज 3 गोल भी किए। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में 2 मैच हुए और दोनों मैच का रिजल्ट यहाँ से 2-2 ड्रॉ और 1-1 ड्रॉ देखने को मिला, मतलब दोनों टीमों की तरफ से इक्वली गोल हुए भी और डिफेंसिव वाइज भी दोनों टीमों की तरफ से इक्वली गोल कंसीड भी किए गए। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच और उस मैच को यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टीम के सामने 3-2 से विन कर गई, मतलब अटैकिंग वाइज काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने अगेन गोल कंसीड कर दिए। तो गाइज क्लियर कट फेवरेट टीम तो यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड देखने को मिलती है, लेकिन जब भी दोनों टीम आपस में खेलती हैं हेड टू हेड मैच में कम से कम मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टीम के सामने 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंस वाइज कहने के प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है। लेकिन गाइस बात आ रही अब इन दोनों टीमों के जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम पर परफॉर्मेंस इन दोनों टीमों का उसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। तो हेड टू हेड में तो यहाँ से क्लियर कट मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फेवरेट टीम निकल कर आती है। बात करते हैं साउथहैम्पटन का जो रिसेंट फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर साउथहैम्पटन ने 6 मैच खेले जिनमें से 3 बार विन भी किए और 3 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन कभी कभी ये टीम 2 गोल पर मैच भी कर देती है। वही परफॉर्मेंस अगर डिफेंसिव वाइज रहा है, मतलब डिफेंसिव वाइज कम से कम 1 गोल पर मैच कंसीड करती है और कभी कभी तो 2 या 3 गोल कंसीड भी कर देती है बेहतर टीम के सामने। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच साउथहैम्पटन 3-1 से लॉस करके आ रही है एवर्टन के सामने, अटैकिंग वाइज साउथहैम्पटन ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 3 गोल कंसीड किए, और उससे पिछले मुकाबला अगेन साउथहैम्पटन 3-1 से लॉस कर गई। उस मैच में भी साउथहैम्पटन ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज अगेन 3 गोल कंसीड किए। अब गाइज आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो जब एवर्टन और एथलेटिक बिलबाओ के सामने ये टीम 3-3 गोल कंसीड कर सकती है तो आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में कितना गोल कंसीड करेगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उस सबसे मुकाबले ये टीम 1-0 से विन कर गई, अटैकिंग वाइज 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं किया। उस सबसे मुकाबले 3-1 से विन और उस सबसे मुकाबले ये टीम 4-0 से विन किया। लेकिन याद रहे ये सिर्फ आपको क्लब फ्रेंडली मैच देखने को मिलेंगे, इन क्लब फ्रेंडली मैच में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन उससे भी मुकाबले वेस्ट हैम यूनाइटेड के सामने ये टीम 3-0 से अगेन लॉस कर गई। तो गाइज इस टीम ने 3 लॉस किए और तीनों लॉस में इस टीम ने अटैकिंग वाइज 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज पर मैच में 3 गोल कंसीड भी किया। तो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है इस टीम का, और डिफेंसिव वाइज भी और अटैकिंग वाइज तो कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कर ही देती है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है साउथहैम्पटन की रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं
मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रीसेंट फॉर्म उसके अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से 3 मैच विन किए, 1 मैच ड्रॉ भी खेला, बल्कि इस टीम ने 2 मैच लॉस भी किए हैं फिलहाल के टाइम पर। अटैकिंग वाइज 2.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रत्येक मैच में फिलहाल के टाइम पर कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहने के प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड भी कर देती है। अब गाइज बात करें जो पिछला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड 5-1 से विन करके आ रही है लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट में। अब गाइज आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि प्रीवियस मैच में इतना कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा अटैकिंग वाइज, और डिफेंस वाइज टीम ने उस मैच में 1 गोल कंसीड कर दिया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले एवर्टन के सामने ये टीम खेली और उस मैच को भी यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-0 से विन कर गई। मतलब फिर से अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिला इस टीम की ओर से, और डिफेंस वाइज 1 भी गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले ये टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ खेल कर आई। यह है क्लब फ्रेंडली मैच, उस मैच में इस टीम ने 2 गोल अटैकिंग वाइज भी किए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी 2 गोल कंसीड किए। लेकिन उससे भी मुकाबले ये टीम 4-2 से लॉस कर गई और 2-1 से अगेन विन किया, और एक मैच इस टीम ने 1-1 से ड्रॉ खेला, बाद में पेनल्टी में वो गोल गया तो गई और उसमें ये लॉस कर गई। तो परफॉर्मेंस इस टीम का अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करने का, लेकिन डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है। तो रिसेंट फॉर्म इसका काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, इसी वजह से मैं यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारे समोली टीम बनाने के लिए ड्रीम इलेवन पर, तो एक बार नज़र डालते हैं स्कोरलाइन प्रेडिक्शन पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैच नज़र डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर नज़र डाली। तो गाइस इन दोनों चीज़ों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन आखिर निकल कर क्या आता है। तो गाइस हेड टू हेड में तो क्लियर कट फेवरेट टीम यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड देखने को मिलती है। इस टीम के सामने कम से कम प्रत्येक मैच में 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, कहीं ना कहीं 1 गोल डिफेंसिव वाइज भी कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 3 गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं 1 गोल कंसीड कर देती है। लेकिन साउथहैम्पटन का जो रीसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर परफॉर्मेंस है, अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस इसीलिए मेरा इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन कम से कम मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस मैच में 3 गोल करने चाहिए और डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड भी करना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाने वाले ड्रीम इलेवन पर, मतलब 3-1 की प्रेडिक्शन रखिए और 3-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं साउथहैम्पटन के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नजर डालते हैं साउथहैम्पटन के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और लिंक के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। क्यों? अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे फैन चैनल बन चुके हैं हमारे चैनल के नाम से, इसलिए आप सर्च करके ज्वाइन ना करें, सीधे आप लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के सबसे ऊपर वाला कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो एक बार नजर डालते हैं साउथहैम्पटन के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस साउथहैम्पटन की टीम तरफ प्रीवियस सीजन जो इस टीम तरफ हायर गोल टेकर थे डैनी इंग्स, जो कि ये फिलहाल टाइम पर अब इस टीम में नहीं रहे, मतलब ये जा चुके हैं एस्टन विला पर, मतलब इसको आप इग्नोर करना। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उन सब का आपके सामने रिकॉर्ड है। यहाँ से एडम्स जो कि प्रीवियस सीजन सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर और प्रीवियस मैच में इसने एक असिस्ट भी किया, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं पर बात करें जेम्स वार्ड जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस टीम तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है, तो इसलिए आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट देने की क्षमता रखता है और गोल करने का भी चांस रहेगा। तो इसलिए यहाँ से एडम्स को भी हम मतलब जेम्स वार्ड को भी पिक करके चलेंगे। वहीं पर बात करें थर्ड मतलब फोर्थ हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ स्टुअर्ट आर्मस्ट्रांग, जो कि इस टीम तरफ से प्रीवियस सीजन 4 गोल किए थे, लेकिन फिलहाल के टाइम पर प्रीवियस मैच में ये 1 गोल करके आ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने उन सबको टिक किया हुआ, उन्हें आप अपनी ड्रीम इलेवन टीम में पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं असिस्ट मामले इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आए, तो एक बार नजर डाल। तो गाइज इस टीम तरफ से जो प्रीवियस सीजन हाईएस्ट असिस्ट जेम्स वार्ड, जो कि 8 गोल और 7 असिस्ट और फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इन्हें तो आप अपने ड्रीम इलेवन टीम में जरूर से जरूर पिक करके चलना, ये आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट भी देने की क्षमता रखता है। वहीं पर बात करें एडम्स इस टीम तरफ से सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है और सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और इसका ही चांस रहेंगे इस मैच में गोल आने के। वहीं पर बात करें थर्ड हाईएस्ट असिस्ट टेकर इस टीम तरफ से आर्मस्ट्रांग, जो कि
5 असिस्ट और 4 गोल किए, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और प्रीवियस मैच में गोल करके भी आ रहा, तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। डैनी इंग्स इस मैच में खेलेगा नहीं, बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो एक बार नजर डालते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स के। तो गाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन जो इस टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर ब्रूनो फर्नांडेस, जो कि इस टीम की तरफ से 18 गोल किए थे इसने, लेकिन 9 गोल इस टीम तरफ से पेनल्टी में किए, तो फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी इस टीम तरफ से, और प्रीवियस मैच में ये बंदा हैट्रिक मार कर रहा है गोल की, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑब्वियस पिक रहेगी, तो इसलिए मेरी टीम का यहाँ से फर्नांडेस एक कैप्टन के रूप में रहेगा। वह बात करें सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से मार्कस रैशफोर्ड, जो कि 11 गोल कर चुका प्रीवियस सीजन, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, अगर ये खेलेगा तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से कवानी तो आपको पिक करके चलना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रहता और आप इन्हें जरूर ट्राई करके चलना। मैसन ग्रीनवुड, जो कि प्रीवियस सीजन इस टीम की तरफ से इसने 7 गोल किए थे, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन याद रहे इन 4 में से कोई, मतलब इन 3 में से कोई 2 ही स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखने वाली बात वो रहेगी कि इन 3 में से वो 2 प्लेयर कौन से हैं, तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि रैशफोर्ड और कवानी ये दोनों स्टार्ट करेंगे। मैं बात करें स्कॉट मैकटोमनी, जो कि इस टीम तरफ से आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट देने की क्षमता रखता है, लेकिन आपको ये कभी कभी मतलब 20-30 मैच में 2-4 गोल कर देता है, ये एक ऐसा प्लेयर हिट एंड मिस टाइप का, तो आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी देगा, ये गोल करना कितना चांस रहता नहीं इस बंदे का, लेकिन प्लेयर इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फ्रेड। फ्रेड का काम असिस्ट पोटेंशियल रहता है और कभी कभी वो मतलब कभी कभी नहीं हाई चांस रहते हैं उसका इंटरसेप्शन टैकल में आने का, लेकिन इसका कम चांस रहता है इंटरसेप्शन टैकल में, बल्कि इसका लॉन्ग शॉट से गोल आने का पूरा चांस रहता है। वहीं पर मार्शल, जो कि खेलने का चांस काफ़ी कम है, डैनियल जेम्स प्रीवियस मैच खेला और 70 मिनट खेल के बाद में सब्स्टिट्यूट भी हो गए, और प्रीवियस सीजन इस टीम तरफ से इसने 3 गोल किए थे। बाकी के पायल पोगबा, जो कि प्रीवियस मैच में मतलब 4 असिस्ट कर चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस था और डिफेंसिव पॉइंट भी देता बंदा, तो इसलिए हम अपनी टीम में इसे जगह दे के चलेंगे। बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने उन सबको अभी के लिए टिक किया हुआ, उन्हें आप अपनी ड्रीम इलेवन टीम में पिक करके चल लेना। मैं फिर से टिक मार देता हूँ और इन्हें आप अपनी ड्रीम इलेवन टीम में पिक करके चल के रख लेना। अब बात करते हैं असिस्ट मामले, इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, तो एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइज प्रीवियस सीजन इस टीम जो हाईएस्ट असिस्ट ब्रूनो फर्नांडेस, जो कि 12 असिस्ट 18 गोल, तो इसलिए ये कैप्टन है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बिना गोल के लिए पॉइंट भी देता, मतलब कम से कम 20 प्लस पॉइंट तो दे ही जाएगा बिना गोल के। वन बात मास्कर रैशफोर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है इस टीम तरफ से, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ल्यूक शॉ, जो कि असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है और ये आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर आपको लगे कि हल्का मतलब मैच लो स्कोरिंग जाएगा तो उस कंडीशन में आप इसे एज ए वाइस कैप्टन ग्रुप में आप पिक कर मतलब बना सकते हो। और एवान विशाखा, जो कि प्रीवियस मैच में एक असिस्ट भी किया, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कवानी एक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले बोला, और यहाँ से बाकी जो भी प्लेयर्स उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है उन सबको मैंने अभी के लिए टिक किया हुआ और उन्हें आप अपने ड्रीम इलेवन टीम में पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, हमने 1-3 रखा और 1-3 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहने वाली इस मैच में जो हमारी शमोलिक टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो एक बार नजर डालते हैं ड्रीम इलेवन टीम। तो गाइस सबसे पहले बात करें गोलकीपर में, आपको मैकार्थी और डी गिया देखने को मिलेंगे, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चूज करना, लेकिन मैं यहां से मैकार्थी को ही अपने ड्रीम इलेवन टीम में पिक करूँ, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी अटैकिंग टीम है, उस कंडीशन में ये बेस्ट प्लेयर रहेगा। हैरी मैग्वायर, जो कि हेडर में काफ़ी सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग है, ल्यूक शॉ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और एवान विशाखा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और लिंडोल्फ एक इंपॉर्टेंट है, तो इन 4 में से किसी आप चाहे तो 4 को पिक कर सकते हो, चाहे 3 को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं हल्का सा रिस्क लेके जाता हूँ और यहाँ से छोड़ता हूँ मतलब लिंडोल्फ को अभी के लिए। लेकिन बात करें फर्नांडीज, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर पायल पोगबा, जो कि प्रीवियस मैच में 4 असिस्ट कर चुका है, तो असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है, और यहाँ से हम मतलब जेम्स वार्ड को पिक कर चलेंगे। आर्मस्ट्रांग ये आपकी चॉइस, लेकिन मैं फिलहाल के अभी के लिए पिक करके नहीं चला हूँ। अब बात करें सेंटर फॉरवर्ड से, हम यहाँ से पिक करके चलें एडम्स को और कवानी को, इन दो को तो हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे फिलहाल के लिए। अब बात रहेगी मार्शियल और रैशफोर्ड और ग्रीनवुड, इनमें से कौन स्टार्ट करेगा, जो स्टार्ट करेगा उन्हें हम अपनी टीम में जगह देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम किसको जगह दें, क्योंकि अभी क्रेडिट की प्रॉब्लम काफ़ी हाई है, तो उस कंडीशन में किस प्लेयर को जगह दें, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से फिलहाल के लिए हम अपनी टीम में आर्मस्ट्रांग को पिक करें और उस कंडीशन में हल्का सा हम
तो गाइज अभी के लिए हमको यहाँ पर एडम्स को रिमूव करना होगा क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम काफ़ी हाई है, तो इसको हम पिक नहीं करेंगे। इसके रिप्लेसमेंट में हम यहाँ से ओ रोमियो को पिक करके चलेंगे क्योंकि ये आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट भी देगा और असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी कम है, तो इसलिए यहाँ से डिफेंसिव पॉइंट देने के लिए जानेगा, तो इसको पिक कर चला। अब बात करें हम, बाकी यहाँ से कोई आएगा नहीं लेकिन आफ्टर लाइनअप आएगा, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ से लिंडोल्फ को ही पिक करके चलते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन बात की जाए तो ऑब्वियस पिक यहाँ से ब्रूनो फर्नांडीज रहेगा, लेकिन आप यहाँ से पायल पोगबा को कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से कवानी को अभी के लिए पिक करके चल रहा हूँ। बात करें फाइनल प्रीव्यू इस प्रकार रहेगा इस टीम, तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन फर्नांडीज को रखा, वाइस कैप्टन कवानी को रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर कुछ मिस आउट हुए हैं अभी के लिए, लेकिन आफ्टर लाइनअप जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो लाइनअप रहेगी, जो उसकी पोजीशन रहेगी, पोजीशन का अनुसार ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए लाइनअप के बाद ही हम अपनी टीम में उन सब प्लेयर को जगह देने की कोशिश करेंगे जिसकी पोजीशन अच्छी होगी। तो आपको फाइनल टीम इस मैच की जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी, जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो को सबसे ऊपर वाले कॉमेंट में दिया हुआ, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको इस मैच की लाइनअप और जो फाइनल टीम रहेगी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।